चल 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 आ गई ये गुड गुड सर एक सर लेटेस्ट खबरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब समाचार। रोहिणी सेक्टर 10 स्थित मेट्रो वॉक में डेक्लाथन स्पोर्ट्स सेंटर में आयोजित की गई राष्ट्रीय ओपन नेशनल मार्शल आर्ट चैंपियन में दिल्ली ने सर्वाधिक मेडल जीतकर विजेता होने का गौरव हासिल किया। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश को दूसरा और पंजाब को तीसरा स्थान मिला। दिल्ली कराटे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में चुने हुए 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया। दिल्ली की टीम ने 8 गोल्ड, 5 सिल्वर और 7 कांस्य जीतकर ओवरऑल ट्रॉफी पर कब्जा किया। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 कांस्य, जबकि पंजाब की टीम ने 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 कांस्य मेडल जीतकर तीसरे स्थान हासिल किया। श्रेयन मित्तल, कहां से आए हो आप यहां? हम पीतमपुरा, दिल्ली। कैसे लगा यहां भाग लेकर? बहुत अच्छा। कब से ये शौक चला कराटे का? मुझे 2 साल हो गए। आपका क्या नाम है? मिष्टी मित्तल। क्या कहना चाहेंगे आप, भाग लेकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप किन्हें फॉलो करते हैं? अपने सर को, मैं बहुत विकास सर, वाइट टाइगर क्लब, वाइट टाइगर, मेरे को मार्शल आर्ट्स का प्लेयर। क्या नाम है आपका? काव्या दास। घर में सबसे ज्यादा कौन सपोर्ट करते हैं आपको? मुझे मेरे मॉम डैड दोनों बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं और डैड भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, डैड बहुत ज्यादा करते हैं। क्या है करना चाहती हो? मैं बड़ी होकर एक मार्शल आर्ट प्लेयर बनना चाहती हूँ। वान्य अग्रवाल। कहाँ से? दिल्ली, रोहिणी। ये मार्शल आर्ट में आप यहाँ पर क्या आए हैं, आप कौन सी पोजीशन पर? गोल्ड, फर्स्ट, फर्स्ट। माता पिता से आपको कितना सपोर्ट मिलता है? बहुत ज़्यादा। हाँ, जो आपके गुरु हैं आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से सिखाते हैं। इससे पहले आपने कितने चैंपियनशिप में भाग लिया? ये पहली थी जी। मेरा नाम माइकल ली है एंड आई एम ब्लैक बेल्ट 6th डैन और इस ऑर्गेनाइजेशन में टेक्निकल उसमें देख रहा हूँ मैं, और अभी मैं आगरा में फिलहाल अपना क्लास चला रहा हूँ। और ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ है, दिस इज नेशनल लेवल, इसमें कम से कम 200 से ऊपर बच्चे हैं। और ये सर यूपी, ऑल ओवर इंडिया से 7 स्टेट से लगभग। मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना एक कीमती समय हमें दिया, तो इस चैम्पियनशिप में देश भर से बच्चों ने भाग ले रहे हैं। पिछले दिनों देश भर में जो सीए को लेकर चल रहा है उसकी वजह से कई बच्चों को भाग लेने का मौका नहीं मिल सका, और इस टूर्नामेंट से जितने भी बच्चे अब जीतेंगे उनको हम आगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनकी पहचान बनाने की कोशिश करेंगे। और हमारी दिल्ली कराटे ऑर्गेनाइजेशन एक टैलेंट हंट प्रोग्राम चला रही है, उसमें प्रतिभाशाली बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, उनको एक इंटेंसिव ट्रेनिंग दी जाएगी और जिससे कि ओलंपिक में भी उनको भाग लेने का मौका मिल सके, क्योंकि जैसे आपको याद है कि कराटे अब ओलंपिक में भी शामिल हो चुका है। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एफिलेटेड स्टेट बॉडी है कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली में सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन से एक है, हमारी एक सशक्त टीम है। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक ख़ास मकसद ये भी रहता है कि जो बच्चे गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए अगर विदेश में या दिल्ली से बाहर अगर उनका सिलेक्शन होता है और उन्हें कोई मौका मिलता है भाग लेने का, तो उनका खर्चा हमारी ऑर्गेनाइजेशन उठाएगी। अभी श्रीलंका में एक इंटरनेशनल चैम्पियनशिप होने वाली है, तो जो बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होंगे उनको पूरा उनका जो सारा खर्चा है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन उठाएगी। थैंक यू। मेरा नाम स्टीफन है, जिसकी बाउट नहीं हुई है, आश्रम में प्लीज रिपोर्ट एरिना नंबर 1। और इस ऑर्गेनाइजेशन से मैं कम 2-3 साल से जुड़ा हूँ और वो सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं इसमें, और हमारे बच्चे बहुत आगे ग्रोथ कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, और काफी हमारे उद्देश्य है कि हम एनी स्टूडेंट विदाउट फाइन प्लीज रिपोर्ट एरिया नंबर 1। इसके लिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं।